व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने कैश बुक शुरू किया था, सिंगल कॉलम कैश बुक हम लोगों ने बना लिया था, डबल कॉलम के मैंने आपको बेसिक कराए थे, और आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलता जुलता क्वेश्चन ही तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तो बहुत ध्यान से करना, गलती मत करना, एक एक चीज मेरे साथ साथ बना के चलना। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलो यार मेरे साथ साथ आओ, डबल कॉलम कैश बुक बनाना है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, 2018 जनवरी का ये काम है। आइए जी फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले डबल कॉलम के फॉर्मेट में क्या क्या होता है आपके पास, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश एंड बैंक, राइट। इधर भी हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, LF, वाउचर नंबर, कैश एंड बैंक। तो ये हमारा पर्टिकुलर कैश बुक बन गया, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, वाउचर नंबर, कैश एंड बैंक बैलेंस, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, वाउचर नंबर, कैश एंड बैंक। 2018 या जो भी ईयर हो आप उस पर्टिकुलर ईयर के साथ क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। 2018 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2018 मैंने यहाँ पे लिख दिया। जनवरी फर्स्ट से चीज़ें शुरू होंगी, जनवरी फर्स्ट, राइट। तो हम लोग लिखते हैं, जनवरी था ना या अप्रैल था, क्या था, जनवरी फर्स्ट, यस जनवरी फर्स्ट से ही हो रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चे जो ध्यान से देखने वाली बात है क्वेश्चन में वो ये है, देखो मैं क्वेश्चन ही वो कराता हूँ जो आपके पॉइंटर्स एग्जाम में नंबर कटवाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, बैंक का ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। कैश का तो नॉर्मल बैलेंस है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो दिस इज अ नेगेटिव बैलेंस। कैश का 70,000, बैंक का 50,000, कैश 70, बैंक 50, कैश 70,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का नेगेटिव बैलेंस है इसलिए इधर आएगा, 50,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जनवरी फर्स्ट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बच्चे, कैश का पॉजिटिव ही रहा, बैंक का नेगेटिव रहा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके सर, उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, देन लिखा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, माल बेचा 50,000 का, माल बेचा तो पैसा आया 50,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, 50,000 हमने लिख दिया टू सेल्स। डेट क्या थी हमारे पास, बैंक में मैं डैश इसलिए लगाते जा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, जनवरी 4, दिस इज जनवरी 4। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है बच्चे जनवरी 5th, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, करना शुरू करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन इज कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक 80,000, कैश जमा हो गया बैंक में 80,000। ओके, बैंक में अगर जमा हो गया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया 80,000, और कैश कम भी तो होगा 80,000 से ही भाई, अगर तुमने जमा करा तो कैश कम भी तो होगा, तो कैश तो कम हो गया, कहाँ गया पैसा, बैंक। ऐसी ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ये बैंक में कहाँ से आया, टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री हमें लिखनी है LF वाले कॉलम में इधर, ठीक है, जनवरी 5, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। देखो बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस कम हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। ओके चलो, इसके बाद क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना। अब देखो परचेज गुड्स फ्रॉम मीना इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार की ट्रांजेक्शन है, नाम कभी भी लिखा होता है उधार की ट्रांजेक्शन होती है,
उधार की ट्रांजेक्शन बच्चे कभी भी कैशबुक में नहीं आती, तो जस्ट इग्नोर दिस ट्रांजेक्शन, ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगी। परचेज गुड्स फ्रॉम मीना को आप इग्नोर कर दोगे। नेक्स्ट क्या है, जनवरी 7 में चेक्स इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट। हमने यहाँ पे चेक दिया मीना को, अब पेमेंट हुआ, पेमेंट हुआ कितने का, 28,800 का, ये लिखी जाएगी क्योंकि आपने चेक दे दिया ना, पैसा गया आपके पास से, 28,800 बाय मीना, 28,800 बाय मीना, ये आपने पेमेंट कर दिया जनवरी, क्या ट्रांजेक्शन थी, कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन थी, है जनवरी 7, ठीक है, जनवरी 7 पे हमने मीना को चेक दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट लिखा है हमारे पास जनवरी 8 में विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, 5,000 रुपये बैंक से निकाल के घर ले गए, विड्रॉन फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज 5,000 रुपये, ठीक है, जनवरी 8 5,000 रुपये बैंक से निकाले और घर ले गए, इसको लिखते क्या है, बाय ड्रॉइंग्स। अब बच्चों यहाँ पे बहुत गलती होती है, कुछ बच्चे इसको भी कॉन्ट्रा एंट्री समझ लेते हैं, नो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कब है, जब बैंक से पैसा निकल के बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में नहीं आ रहा, बैंक से पैसा निकला और घर चला गया, घर चला गया तो वो एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, ड्रॉइंग्स लिख देंगे बस। ऑल राइट, चलो ये भी हो गया। देन 12th में क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम 25,000। अब देखो अजय को माल बेचा और अजय से चेक मिला, सर चेक मिलने का मतलब बैंक बैलेंस बढ़ना तो नहीं होता, तो जिस दिन चेक मिला है उस दिन मेरा बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ेगा, वो आप तभी एज्यूम करोगे कि सेम डे पे बढ़ गया अगर और कुछ क्वेश्चन में मैंशनड ना हो, है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैं आगे देखूंगा क्या इस चेक के बारे में कुछ है, देखो जनवरी 17 में लिखा हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब आपने चेक जमा ही 17 तारीख को करा है तो 12 को आपका बैलेंस कैसे बढ़ सकता है, तो आप इसको 12 को रिकॉर्ड नहीं करोगे, कब रिकॉर्ड करोगे 17 को। देखो दो केसेस बनते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम अजय, बस क्वेश्चन साइलेंट हो गया और आगे भी क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट हुआ आगे भी कुछ नहीं है, तो आप फर्दर उसको सेम डेट पे ही रिकॉर्ड कर दोगे क्योंकि फर्दर क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है ना, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सेम डेट पे जमा हो गया। बट अगर ऐसा केस बनता है चेक मिला और आगे ट्रांजेक्शन दिया है तो आगे जिस डेट पे ट्रांजेक्शन दिया है ना उस डेट पे आप उसको रिकॉर्ड करो। ओके, तो जैसे यहाँ 17 में लिखा है हमने जमा करा 25,000 रुपये, 25,000 रुपये हमने जमा करा यहाँ पे, तो हम 17th में लिखेंगे जनवरी 17th टू चेक इन हैंड, ये चेक हमारे पास आया था और अब बैंक में चला गया, 25,000 रुपये हमने चेक जमा कर दिया, ठीक हो गया जी। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 20 पे बैंक चार्जेस हैं, 500 रुपये बैंक में से कटेंगे, 22 पे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ये भी बैंक में से ही कटेगा, 500 और 2500, 20 और 22, 500 रुपये 2500 रुपये, एक जनवरी 20 एक जनवरी 22, पहला वाला बैंक चार्जेस, ये बैंक ने अपने कुछ चार्जेस लिए एसएमएस चार्जेस वगैरह, और एक इंटरेस्ट हमसे बैंक ने चार्ज करा, इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब कोई ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट हो सकता है या कोई लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट हो सकता है, वो चीज़ है, ये बैंक ने हमारे से इंटरेस्ट चार्ज करा, तो हमारे बैंक से पैसा कट जाता है बेटा जी बस। ऑल राइट, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस हो गया, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक हो गया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से कैश मिला हमें कितना, 28,000 रुपये का, ठीक है, रमेश से 28,000 रुपये कैश मिला, 28,000 रुपये कैश मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रमेश, ये आ जाएगा जनवरी, कौन सा है हमारे पास, ये 23, ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जनवरी 23 हो गया, 28 पेड सुनीताज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, सुनीता कौन है, सुनीता की कैशबुक है क्या ये, देखो हाँ सुनीता की कैशबुक है, उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या होता है बच्चों, ड्रॉइंग्स, है ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग्स, पर्सनल एक्सपेंस होता है लाइफ इंश्योरेंस, 15,000 की ड्रॉइंग्स है, चेक से है, यस जनवरी 28 में, क्या लिखते हैं, बाय ड्रॉइंग्स,
ये हो गया जी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ ड्रॉइंग्स। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखने वाली एंट्री है। देखो क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस, आपके पास जो भी कैश का बैलेंस बचेगा वो सारा बैंक में जमा कर दो, लिखा हुआ है डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस। डिपॉजिट इनटू बैंक क्या जमा होगा बैंक में, कैश का बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000 कैश इन द बिजनेस। इसका मतलब ये है बच्चों कि बिजनेस में जो भी बैलेंस आएगा 5000 बचा लेना, बाकी सब बैंक में जमा कर दो। जो चेक करते हैं सबसे पहले कि है कितना, आ कितना रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा अपनी नोटबुक्स में ना, थोड़ा सा रफ वर्क के लिए रेडी रहना। आप सबसे पहले ये टोटल करो कि ये है कितना, आपके पास कैश है कितना, 70 + 50 + 28,000। तो आपके पास जो टोटल कैश है वो है 1,48,000 रुपीज़ का। आपके पास जो कैश है वो 1,48,000 का है ना। अब इसमें से खर्चे कितने हुए, जस्ट वन सिंगल खर्चा 80,000 रुपये का कैश से खर्चा हुआ। तो 148 - 80 आपके पास बचता है बच्चों 68,000। कितना पैसा बचता है, 68,000, 148 - 80 68 बचता है। अब इसने बोला हमें इतना बैलेंस नहीं चाहिए, सारा का सारा बैंक में जमा कर दो आफ्टर रिटेनिंग 5000, बस 5000 बचाना है बैलेंस, बैलेंस 5000 आना चाहिए, बाकी सब बैंक में जमा कर दो। तो हम क्या करेंगे, 68 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 63,000 आपको क्या करना है, बैंक में जमा करना है। तो 63,000 यहाँ बढ़ेगा, कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश में से कम होगा 63,000, यहाँ कैश में से कम होगा, कहाँ गया ये तो गया बैंक में, लास्ट है बिल्कुल, ये तो गया बैंक में, और यहाँ बैंक में कहाँ से आया, कैश से। देखो हमने क्या करा बेटा जी, हमने क्या करा, 148 - 80, मेरे पास 68 का बैलेंस बच रहा था, क्वेश्चन ने बोला बैलेंस बचाना ही 5 है, तो 68 में से 5 अगर मैं रोक दूँ 63 हो गया, अपने आप यहाँ पे कैश का बैलेंस 5 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन जनवरी 31, लास्ट डेट पे ही हम लोग बैलेंस निकालते हैं। ये काम कब करा है, 30 को करा है, 31 को करा है, कॉन्ट्रा एंट्री वाला, ये 30 को करा है, ठीक है, तो ये 30 को लिख लेना। लास्ट में जो आप बैलेंस निकाल रहे हो ना बेटा जी, वो 5000 बचेगा, और ये हमने कौन सी तारीख पे करा है, 31 पे, बैलेंस कैरेट डाउन 5000 रुपये, परफेक्ट हो गया, सही हो गया। चलो अब बैंक का बैलेंस देख लेते हैं, बस बैंक में बैलेंस किधर आ रहा है, इसका टोटल कितना रहेगा, टोटल वही रहेगा 148 में से आप ये सब खर्चे माइनस करो तो 5000 ही बचेगा, ठीक है। अब बैंक का बैलेंस देख लो बस, 80,000, 25,000, 63,000, बैंक में है 168 में से ये सारे खर्चे कर दो माइनस, बैंक में सिर्फ बैंक वाला देखना है ना, बस ये सब प्लस करा, 168 माइनस बैंक के खर्चे 50,000, 28,800, 5,000, 500, 2,500, 15,000, ये आएगा 66,200 बच्चों बैंक का बैलेंस आ जाएगा, एंड 1,68,000 आपका टोटल बैठेगा। दिस इज हाउ योर डबल कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको लास्ट में क्या करना है, जनवरी के बाद फेब आएगा, तो फेब 1st उस बैलेंस को अगले साल ब्रॉड डाउन कर देते हैं, अगले महीने में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश में 5000, बैंक में 66,200। देखो ऐसे क्वेश्चन होता है, जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई गलती ना हो। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन भी मैं एक बार वापस से दिखा देता हूँ, एक बार वापस से इस पूरे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और आपका चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये लो, ये क्वेश्चन आप आज खुद ट्राई करोगे, देखो होता है या नहीं होता है, इसकी कोशिश करो। GST वाला है, GST में आपको नेक्स्ट क्लास में पहले समझाऊंगा, फिर चीज़ें हम अच्छे से कर पाएंगे, जिन्हें आता है वो उसको ट्राई करके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ गाइस, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।